तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियाज गॉट टैलेंट में। नहीं, ये हमारा ही चैनल है, इंडियाज गॉट टैलेंट नहीं है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये कोई अपडेट वीडियो नहीं है, एक रिएक्शन वीडियो है। यार, मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने चैनल पर। जितने भी फ्री फायर के अंडर रेटेड प्लेयर हैं, जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, फिर रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, या फिर वो किसी गुमनामी में छा जाते हैं या फिर खो जाते हैं, यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। एंड इसी सीरीज़ में मैं आज आपको लेके आया हूँ इंडिया के एक फास्टेस्ट प्लेयर के पास, जो कि एक अंडर रेटेड प्लेयर है, जिनको सपोर्ट मिलना चाहिए तो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, जिनका नेम भैया AJEXEFF। एंड आप सोच रहे हो कि मेरे बगल में कौन है, ये है मेरा भाई छोटा रोहित। आप लोग शायद जानते हो, इनको लाइव स्ट्रीम में देखा होगा, बहुत ज्यादा फनी बच्चा है ये भी। एंड यहां पे जोर से जोर इनका चैनल चेकआउट करना। सबसे पहली बात तो यहां पे 2.51K सब्सक्राइबर है, जो कि यहां पे मिलियन सब्सक्राइबर डिजर्व करते हैं यहां पे। और आपको इनका गेम प्ले दिखाऊंगा तो आपको गेम प्ले बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, आई होप लोग इंजॉय करोगे। एंड यहां पे इनके चैनल को जोर से जोर चेकआउट करना गाइस। मैं दोबारा से दिखा रहा हूं, लिंक भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जोर से जोर जाना इनके चैनल को चेकआउट करना गाइस। क्योंकि यार, अपने जितने भी भाई लोग हैं यार, उन लोगों को सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। एंड ये मोबाइल प्लेयर है, आई थिंक सो उनका डीपीआई भी ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इन्होंने डिफॉल्ट डीपीआई डाल रखा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिफॉल्ट डीपीआई पे इस तरह से प्ले करना। तो गाइस, एक बार इनका वीडियो देख लेते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि भैया ये कितने, रोहित भैया बताएंगे 10 में से कितने स्टार मिलने चाहिए इनको। ठीक है, तो सबसे पहले रोहित भैया स्टार्ट करें, चलिए फिर शुरू कर देते हैं। Yangting, you going crazy. Oh no, no. King, this shit fuego. Can't breathe in toxic skies. Pollute. मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से 3 फिंगर क्लॉक खेल रहे हैं। उसके बाद भाई इतना फास्ट स्विच करके वहां पे बेट करना, ओ माई गॉड गाइस, मानना पड़ेगा बहुत अच्छे प्लेयर है। Wish I could get away. बच गया बंदा। You know it isn't safe for me to be in this space. मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतने फास्टली कैसे, मतलब ग्लूआल लगाई, शॉट लिया, कवर लिया, क्राउच करा, हेडशॉट। रोहित, मुझे इनका गेम प्ले देखने के बाद तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे 1 मिनट का गेम प्ले हुआ है, 3 मिनट 31 सेकंड की वीडियो, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है इनकी। बट इनको भैया रिक्वेस्ट भेजने का बनता है, मतलब इनसे पर्सनल पिशन तो लेना पड़ेगा रोहित भाई, कि भैया यहाँ पे जरूर लेना पड़ेगा। सच में यार, बहुत सही गेम है। ये कुछ सेंस नहीं मिला, इतना फास्ट कैसे था ये, मतलब मेरे को थोड़ा स्लो करके देखना। MP40 आ गई, अब MP40 आ गई रोहित, अब देखते हैं क्या होता है। ये किस चीज से मारा? डेजर्ट ईगल ना। Still trapped in my mind. Once upon a time I used to hold you close. Now the only thing I'm holding is a broken soul. Knock me down and I'm still falling like some dominoes. Oh no, no, I'm trapped. I can't get out. No, back to the basics. You crazy as hell, and I can't bring my. ये क्या था? ये क्या? ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था रोहित? ये क्या था? एक सेकंड रुकना, मैं एक बार इस चीज को कम स्पीड में देखना चाहता हूँ। एंड इसको मैं दोबारा से यहाँ पर प्ले करता हूँ। ये शॉट ऐसे कनेक्ट हुआ था, मेरे को लगा क्या हो गया, शॉट कैसे कनेक्ट हो गया।
मेरे को एक टाइम पे लगा हैकर। Trying to be tough in a world that's a place. You oh told me that you would stay. I cannot breathe through toxic skies. You pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time. And I'm not alright. Feel trapped in my mind. I can't escape even if I try to. Little too late to. MP40 से भी उतने तेज, इतना तेज शॉटगन से। कई सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो MP40 या शॉटगन में बहुत जल्दी बैलेंस नहीं बना पाते हैं, क्योंकि वो शॉटगन से बहुत अच्छा खेलते हैं, MP40 से उतना अच्छा नहीं खेल पाते। बट यहाँ पे हमको एक परफेक्ट गेम प्ले देखने को मिला है, शॉटगन MP40 परफेक्ट कॉम्बो। एंड आपकी नज़र में कोई अगर ऐसा प्लेयर है, जो कोई ऐसा चैनल है, कोई ऐसा यूट्यूबर है जिसको इससे अच्छा गेम प्ले या ऐसे ही टक्कर का गेम प्ले अगर आप चाहते हो कि उनका सब्सक्राइबर नहीं है, तो यार मुझे जोर से उसका कमेंट करके बताना, उनका नेम जोर से बताना। मैं जोर से सपोर्ट करूंगा उन लोगों को भैया, क्योंकि मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ अच्छा लगेगा। और कल का कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे रिस्पांस आए थे, बट यार आप लोगों को पता है कि मेरे पास वहां पे 200 का वो था, मतलब 200 की लिमिट थी, तो मुझे भी नहीं पता था पहले। एंड मैंने गूगल फॉर्म पे भी जाकर देखा तो वहां पे भी एक लिमिट है। तो गाइस मैं यहीं से ऐसे करके कमेंट पिक करूंगा, हमारे मतलब हमारे जो कमेंट बॉक्स है वहां से कमेंट पिक करूंगा। तो प्लीज गाइस जाकर के जरूर कमेंट करके बताना कोई और दूसरा प्लेयर जो आपकी नजरों में बहुत अच्छा खेलता है। एंड इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है गाइस, जरूर जरूर चेकआउट करना। तो अभी इसको एक बार पूरा कर लेते हैं। वो बंदा पता क्या कर रहा था, वो बंदा बेट कर रहा था, वेट करके मतलब बेट कर रहा था, वेट करके बेट कर रहा था, कितना राइम कर रहा है। बट यहाँ पे वो बेट करते हुए भारी पड़ गया उसमें, देखो ये देख क्या कर रहा था, देख ये बंदा मेरे ख्याल से देख वेट कर रहा था, वो स्विच करता, वो स्विच करता, हेड मारता, वन टैप मारता, बट उसको मौका नहीं मिला। यही चीज होती है, यही चीज मुझे चाहिए हमारे इंडियन प्लेयर्स में। कई सारे इंडियन प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि 4v4 सोलो वर्सेस सोलो, 1v1 बहुत अच्छा खेलते हैं, बट वो क्लासिक मैचेस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो गाइस अपना एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलो कि भैया आप लोगों को क्लासिक गेम्स और अपने जो नॉर्मल हमारे 1v1 फ्रो मतलब जो हमारे क्लैश क्वाड मैचेस होते हैं उनको भी बैलेंस बना के रखना चाहिए। क्योंकि गाइस क्लैश क्वाड जरूरी नहीं कि हर कॉम्पिटिशन में काम आए, और क्लासिक भी जरूरी नहीं हर कॉम्पिटिशन में काम आए, हर जगह पर काम आए। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर देखिए एजे भाई की तरफ से ये बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है, बहुत अच्छे से इस चीज को पोर्ट्रे किया इन्होंने। एक सेकंड रोहित, ये गए हम लोग यहाँ। I long with my sense of time and I'm not alright. Oh my god! बहुत प्यारा हेडशॉट था, बहुत प्यारा हेडशॉट था, मतलब बहुत अच्छा लगा देख करके। चलो गाइस इसको मैं वापस से नॉर्मल स्पीड पे डाल देता वरना मजा नहीं आएगा। Oh my god, वो बंदा भी बहुत तेज चल रहा है। ओ भाई गाइस अब आप लोगों को एक चीज करनी है, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे रखा है, जाकर के चैनल पे जाओ एंड जाकर के वीडियोस देखो इनकी, बहुत अच्छा चैनल है गाइस, आप लोग देख सकते हो। एंड मेहनत भी कर रहे हैं भाई, यहाँ पे जाकर सपोर्ट करना बनता है गाइस। तो जाओ जल्दी से डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, जाकर के सब्सक्राइब कर लो। रोहित आपको कोई एंडिंग कमेंट इसके ऊपर, एंडिंग कमेंट लेने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस वीडियो पर जरूर जरूर कमेंट करके बताना कि भैया किस नेक्स्ट प्लेयर का हमें यहाँ पर रिएक्शन देना चाहिए। एंड आपको रिएक्शन कैसा लगा आप मुझे जरूर जरूर बताना। हाँ मैं जानता हूँ रोहित को ज़्यादा, आप रोहित का रिएक्शन
नहीं देख पाया क्योंकि रोहित यहाँ पे साउंड नहीं सुन रहा था और ना ही कुछ सॉन्ग सुन रहा था. तो मेरे हाथ में हेडफोन था, मेरे कानों में हेडफोन लगा था, रोहित के कानों में कोई हेडफोन नहीं था. बट फिर भी रोहित आपने कितना एंजॉय करा, आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर? पूरा पूरा मतलब इतने हेडशॉट भाई पूछो मत. ओह माय गॉड भाई हेडशॉट, यानी कि एक साथ इतनी सारी चीजें करना कैसे भाई? गोली मारी, ग्लू वॉल लगाई और साथ में बैट भी, सिट अप हेड. मतलब आप एक बार एक काम करते हैं, आप मेरे गेम प्ले से इनका गेम प्ले कंपेयर करो और अपने गेम प्ले से इनका गेम प्ले कंपेयर करो. अगर आप अपने आप को कितने, अगर इनके सामने आप अपने आप को कितने नंबर देना चाहोगे 10 में से? छह नंबर दे दोगे? इतना अच्छा खेल लेते आप. गाइस देखते हैं रोहित कितना अच्छा खेलता है, देखेंगे आने वाले टाइम में. एंड मेरे को कितना नंबर देना चाहोगे इनके सामने? चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं. कितने? बेइज्जती करवा देना. 7-8 दे दूंगा. 7-8 दे दोगे? मेरा इतना अच्छा गेम प्ले? अच्छा मेरा गेम प्ले तुमसे भी अच्छा है मतलब? चलो गाइस कोई नहीं, एक टाइम पे ऐसा आएगा दोनों भाइयों के बीच में वर्सेस होगी, एक दे देखेंगे कि कौन कितना अच्छा खेलता है एंड कौन कितना अच्छे से प्ले करता है. गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आप दोनों, हम दोनों की भी वर्सेस देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो. बाकी ऐसी और एक्साइटिंग वीडियोस अगर आपको देखने तो जरूर से कमेंट करके बताना. और बस आज की वीडियो में इतना गाइस. चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मेरे नहीं यहाँ पे एजे भाई की, मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा आई होप. और वीडियो को जरूर से लाइक करना ताकि ये वीडियो ज्यादातर लोगों तक जा सके और ज्यादातर लोगों के बारे में ऐसे अंडररेटेड प्लेयर्स के बारे में पता चल सके. लो एंड डिवाइस हाई एंड स्किल्स तो इनका चैनल का बैनर पे भी लिखा हुआ है. तो गाइस यही चीज चाहिए, आप लोग जोर से बताना. चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गाइस सी यू टिल देन, बाय बाय, टाटा.